अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां आगामी फसल के लिए रीवा जिले को खाद की नियमित आपूर्ति की जा रही है। जिले भर में किसानों को सहकारी समितियों, विपणन संघ तथा निजी विक्रेताओं के माध्यम से खाद का वितरण किया जा रहा है। इस संबंध में उप संचालक कृषि यूपी बागरी ने बताया कि प्राप्त खाद का रेलवे स्टेशन के रैक पॉइंट से संबंधित कंपनियों के माध्यम से सहकारी समितियों को आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आवंटित 1,055 टन डीएपी में 550 टन समितियों को प्रदान की जा रही है। इसके साथ साथ विपणन केंद्र चुरहटा को 100 टन, गुड़ को 100 टन, हनुमना को 50 टन, मऊगंज को 100 टन तथा चाकघाट, जावा एवं उमरी को 50-50 टन डीएपी दिया जा रहा है। आवंटित 1,348 टन यूरिया में से सीधे प्रदाय के लिए 400 टन निर्धारित की गई है। विपणन संघ चुरहटा को 100 टन, गुड़ को 48 टन तथा मऊगंज, जावा, चाकघाट एवं हनुमना में प्रत्येक को 200 टन यूरिया दिया जा रहा है। जिले में वर्तमान में पर्याप्त मात्रा में खाद भंडारित है। आगामी फसल की बोनी शुरू होने पर इसके मांग में वृद्धि होगी। जिले को खाद की रैक लगातार प्राप्त हो रही है।